कन्नौज के छिबरामऊ तहसील के अंतर्गत एनएच 91 के चौड़ीकरण में दुकानदारों तथा किसानों का राज्य मंत्री अर्चना पांडे के कार्यालय पर प्रदर्शन। छिबरामऊ में जब से जीटी रोड का चौड़ीकरण का सिलसिला चालू हुआ है तब से तीन बार नाप जोक हो चुकी है और तीनों बार नापने वालों ने अलग अलग नाप करके दुकानदार और किसानों को असमंजस में डाल दिया है, जिससे सबके सब्र का बाट आज टूट गया और दुकानदारों और किसानों ने विवश होकर राज्य मंत्री अर्चना पांडे के कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और अपनी अपनी आवाज को शासन से प्रशासन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। ताउम्र फौज और पुलिस और अन्य नौकरियों में काम करने के बाद रिटायरमेंट के बाद मिली रकम से जीटी रोड के किनारे प्लाट में लगा करके अपनी दुकान और अपने घर को बनाने वाले लोगों को क्या पता था कि उनके मकान तथा दुकान एक ही झटके में देश की सेवा करके जो धनराशि इस तरह से मिली थी उन्हें वो खत्म हो जाएगी और लाखों रुपए लगाने के बाद मुआवजा हजारों में मिलेगा। उसके बाद आज प्रेमपुर बाजार व क्षेत्र के सैकड़ों लोगों के सामने रोजी रोटी की भी समस्या उत्पन्न होने का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में दुकानदारों और किसानों ने बाजार भाव से मुआवजा दिलवाने की शासन से अपील कर अपना विरोध प्रदर्शन किया है। इस मौके पर भारी तादाद में सैकड़ों लोग जैसे कि योगी, विवेक, दीक्षित, दाऊद, निसरत आदि लोग मौजूद रहे। छिबरामऊ में पश्चिमी बाईपास में नहर कोसी के पास बैठे हुए हैं। हम नए बाईपास की मांग कर रहे हैं। एनएच 91 के चौड़ीकरण हो रहा है और ये यहाँ जो बाईपास है उसी का चौड़ीकरण कर रहे हैं। ये 60 साल पुराना बाईपास हो चुका है और 60 साल में इस बाईपास के किनारे इतनी घनी आबादी हो चुकी है कि अब बाईपास के चौड़ीकरण में बहुत नुकसान होगा। लोकतंत्र में सरकारें चुनी जाती हैं तो सरकार जो है जनता के हित के लिए काम करती है, जनता को उजाड़ती नहीं है। जनता का विकास होना चाहिए, न कि जनता को उजाड़े। नए बाईपास बनने से कम से कम 1000 मकान उजड़ेगा है, 1000 मकान उजड़ेगा, 5000 दुकानें खत्म होगी है, सारा व्यापार खत्म होगा। कई कल कारखाने लगे हैं, कई कोल्ड स्टोरेज लगे हैं इस बाईपास के किनारे, वो समाप्त हो रहे हैं। तो क्यों ना इसकी जगह पे नया बाईपास बनाया जाए। जब छोटे छोटे से कस्बों में गवाना में अलीगढ़ से चले 20 किलोमीटर गवाना में बाईपास दिया है, वहां से चले एटा में बाईपास, हर जगह बाईपास जब दे रहे हैं, कुरावली में बाईपास, गोगांव में बाईपास, देवर में भी पुराना बाईपास था। कितना चौड़ा बाईपास बन रहा है, कितना चौड़ाई ले रहे हैं? ये जो है 6 लाइन का बाईपास दे रहे हैं, इसकी चौड़ाई एक साइड में 30 मीटर जगह ले रहे हैं, कहीं कहीं 40 मीटर जगह ले रहे हैं। कितना कितना नुकसान हो रहा है बाईपास के चौड़ीकरण में, तो कोई मानक ही तय नहीं है, कहीं 40 मीटर नुकसान हो रहा है। अब नुकसान पैसों में तो क्या बताएं आपको कितना हो रहा है। नुकसान तो ऐसा है कि उसका कोई आकलन ही नहीं कर रहा। जनता फुटपाथ पर जाएगी, हाँ जनता सब फुटपाथ पे होगी, व्यापार सब चौपट होगा और छिबरामऊ कन्नौज जिले की सबसे अधिक राजस्व देने वाली ये जगह है। छिबरामऊ सबसे अधिक आबादी की नगर पालिका है। इस रोड पे का अलीगढ़ और उसके बीच में जिला मुख्यालयों को छोड़कर इतनी बड़ी नगर पालिका न बिल्लौर है और न आपकी कन्नौज तक नहीं है इतनी बड़ी नगर पालिका, जितनी बड़ी नगर पालिका छिबरामऊ है। और इसमें जितने भी भवन है सभी भवन जो है, कितनी सरकारी बिल्डिंग है? लगभग सरकारी बिल्डिंग है तमाम है, नहर बोडी स्थित है, ब्लॉक स्थित है, टंकी पानी की टंकी है, हमारे पीछे ही बनी है पानी की टंकी, डिग्री कॉलेज है, नेहरू कॉलेज है, तमाम शिक्षा संस्थान है, ब्लॉक है, ब्लॉक है, पशु चिकित्सालय है, तमाम बिल्डिंगे है सरकारी। हम लोग यहाँ के निवासी हैं, इस बाईपास पर रहने वाले हैं, हम लोग व्यापारी हैं, हम लोग अपनी दुकान चलाते हैं, उसे भरण पोषण करते हैं, हम लोगों की दुकानें उजाड़ी जा रही हैं, हम लोग केवल जो है भूख के कगार पर पहुंच जाएंगे, बाल बच्चे उजड़ जाएंगे, हम लोग रहने के काबिल नहीं रहेंगे, इसलिए इस भूख हड़ताल पर बैठे हम नए बाईपास की मांग कर रहे हैं। जब तक नया बाईपास नहीं बनेगा हम लोग अपनी ये यात्रा खत्म नहीं करेंगे।
और बराबर यहाँ पर धरना देते रहेंगे। शासन तक पहुँचाने के लिए हमारा मीडिया समुदाय उनसे निवेदन करना चाहेंगे, मेरी बात शासन तक पहुँचाए और इसमें बदलाव लाया जाए, नया बाईपास बनाया जाए। ये साथ छह लेन का बन रहा है जिसमें 27 फीट सारी दुकानें पब्लिक लोगों मकान अंदर तक जा रहे हैं, दुकानें तोड़ के मकान भी टूट रहे हैं। और ये वहाँ से अलीगढ़ से बन रहा है और इधर कानपुर तक जाएगा और सभी जगह बाईपास बन रहे हैं साहब। हमारा सिकंदरपुर में बाईपास है, गोगांव में बाईपास है, बेबर में बाईपास है, छिबरामऊ के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, किसी में बाईपास क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो हमारा निवेदन यही है कि यहाँ भी बाईपास दिया जाए और हम लोगों को उजड़ते घरों को बचाया जाए। हमारे बच्चे भूखों मर जाएंगे, हम लोग रोटी कहाँ से खाएंगे जब हमारा भरण पोषण यही से होता है। इसलिए हमारे सारे लोगों का ध्यान रखते हुए ये प्रजातंत्र सरकार है, प्रजातंत्र सरकार में किसी को उजाड़ा नहीं जाता है, सरकार हम लोगों से बनती है और हम लोगों को ही उजाड़ा जाएगा तो ये सरकार कैसे रहेगी? सरकार से रहने के लिए उसको एक ही है कि हम लोगों के हित में सोच करके नए बाईपास का निर्माण कराया जाए। हम सारे बंधु एकजुट होकर के आत्महत्या के कगार पर पहुंच गए हैं और यदि यही बेदर्दी बढ़ती गई तो मजबूरन हमको आत्मदाह भी करना पड़ेगा और अपने जीवन का बलिदान भी करना पड़ेगा। इसलिए मेरी बात सुनी जाए, शासन तक पहुंचाई जाए और शासन इसमें अभी रद्दोबदल कर भी सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए हमारा यही निवेदन है कि हम लोगों की बात को सरकार के कानों तक पहुंचाई जाए और ये नया रास्ता। हम नहर कोठी के सामने पश्चिमी बाईपास पर बैठे हुए हैं और हम लोग इस नए बाईपास की मांग पर खड़े हुए हैं। 3 दिन हो गए, कराहती हुई ये जनसंख्या इस बात की अपेक्षा कर रही थी शासन हमारी बात सुनेगा। 3 दिन के अंदर अभी तक कोई भी मंत्री, कोई भी नेता, कोई विधायक हमारे पास नहीं आया, न शासन का कोई आदमी आया है, न मेरी बात सुन रहा है। हम लोग अपनी व्यथा किससे कहने जाएं? 3 दिन हो गए हैं, ऐसी स्थिति में हम लोगों का धैर्य साथ छोड़ रहा है। यदि हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो ये जनता आत्मदाह और अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार हो जाएगी। इसलिए हमारा मीडिया के माध्यम से यही कह रहा है कि शासन अतिशीघ्र इसका निर्णय निकालने के लिए नई बाईपास का प्रस्ताव लेकर आए, इसी में हम सबका भला होगा। अपना देवी कॉलेज में खड़े हम लोग ये चाह रहे हैं कि छिबरामऊ का बाईपास जो है नया बाईपास बनाया जाए, सब दुकान खोल रहे, व्यवसाय बढ़ रहे और उसके बाद भूगाम बाईपास, पुरावली बाईपास, बेबर बाईपास, सारे जगह अलीगढ़ से कानपुर तक लगभग बाईपास है तो छिबरामऊ को जब से बाईपास बना पूरा नगर बस चुका है, व्यवसाय उजड़ रहे हैं। नया बाईपास निकाला जाए, नया बाईपास चाहिए, जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं, नहीं चाहिए क्या क्या है, बिल्डिंगें ध्वस्त कर रही है, तो कर दे, हमें बेघर करना है, कर दे, मुआवजा नहीं चाहिए, नया बाईपास चाहिए, नया बाईपास चाहिए, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।